नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार, शिक्षक पंडित देव कृष्ण कॉलेज सगवर उन्नाव, जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग जीव और समष्टियों के विषय में पढ़ेंगे। इसका जो भाग एक है, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है कि जो हमारा जो जीव पदार्थ होता है, हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पर प्रमुख रूप से दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक सजीव पदार्थ है, एक निर्जीव पदार्थ है। सजीव पदार्थों से मोटे तौर पर माना जाए, सजीवों की उत्पत्ति होती है, सजीव बने हुए हैं, और जो हमारा निर्जीव पदार्थ है, इससे हमारे इन सजीवों के चारों ओर पाया जाने वाला वातावरण या पर्यावरण का निर्माण हुआ है। बच्चों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि आज के जो हमारे शिक्षण बिंदु क्या हैं, इसमें देखते हैं। आज हमारा जो इस अध्याय में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इसमें हम लोग जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करेंगे, अर्थात जो पर्यावरणीय ऐसे कारक जो कि इन जीवों को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के कारक आते हैं, भौतिक कारक जिनको हम अजैविक कारकों के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत प्रकाश, ताप, वायु, मृदा आदि आते हैं। नंबर दो पे आता है जैविक कारक। जैविक कारक जो हमारे जीवों से संबंधित कारक हैं, ये जैविक कारक हैं, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले बिंदु पे चलते हैं, जीव और उसका पर्यावरण। बच्चों, हम लोगों ने जैसे जाना, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो समस्त जीव और जो वातावरण है, पर्यावरण है, ये मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। इस पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थितियाँ होती हैं, जब जो पारिस्थितिक तंत्र का स्वभाव होता है, इसको हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मूल रूप से जो पारिस्थितिकी होती है, ये जीवी संगठन के चार स्तरों से संबंधित होती है, जीव, समष्टि, समुदाय व जीव। हम लोग आज इस अध्याय में मुख्य रूप से जीव और समष्टि का अध्ययन करेंगे। जो हमारी जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है, इसको हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने जाना है, हेकेल ने इस परिभाषा को थोड़ा अलग प्रकार से बताया। उन्होंने बताया, प्रकृति की संरचना और प्रकृति का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग जीव और उसके वातावरण के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जीव के जो चारों ओर जो भी कारक या जो भी वातावरण पाया जाता है, जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जो भी स्थितियां पाई जाती हैं जिनका जीवों के ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, ये सभी कार्य जो है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जीवों को प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी कारकों को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत, जैसे हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत हमारे वायुमंडल में चारों ओर पाई जाने वाली गैसें आती हैं, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पेड़ पौधे आते हैं, नदी, घाटियाँ, पहाड़, पर्वत, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो भी सजीवों के चारों ओर जो भी वातावरण में हमें मिलता है, वो सभी हमें पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत आता है। इसकी छोटी सी परिभाषा के रूप में अगर हम इसको अध्ययन करते हैं, तो क्या है, पर्यावरण का वह कारक जो पौधों पर प्रभाव डालता है, पर्यावरणीय कारक कहलाता है। पर्यावरण में अनेक कारक हैं जो एक साथ या अलग अलग करके जीवों के ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते रहते हैं। इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के जो कारक होते हैं, इनको मुख्य रूप से हम लोग पारिस्थितिकी के कारक या पर्यावरणीय कारक कहते हैं, जो कि दो मुख्य भागों में इनको हम लोगों ने बांटा हुआ है। पहला जो कारक है भौतिक या अजैविक कारक, और दूसरा है जैविक कारक। जैसा नाम से ही पता चलता है, भौतिक या अजैविक कारक अर्थात जो सजीव नहीं है, या अर्थात जीवों के चारों ओर पाए जाने वाले वातावरण से संबंधित जो कारक हैं, भौतिक या जैविक कारक होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जलवायुई कारक अर्थात जो जलवायु से संबंधित हैं, स्थलाकृतिक कारक अर्थात जो हमारी मिट्टी से, जो स्थल से संबंधित कारक है, तथा तीसरा जो मृदी है, मृदा हमारी मिट्टी से संबंधित कारक है, उसका अध्ययन करेंगे। जैविक कारकों में हम लोग जो हमारी इस सृष्टि में पाए जाने वाले जीवित पदार्थ हैं, जीवाणु, कवक, पौधे, पौधों के अंतर्गत परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी जैसे जो जीव आते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी कारक जो हमारे कारक हैं, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला कारक था, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रकाश का अध्ययन करते हैं। जो प्रकाश का जीवों के ऊपर क्या प्रभाव होता है, कैसे प्रकाश का जो है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। प्रकाश, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रकाश का जो प्रमुख स्रोत होता है वह सूर्य होता है। जिस प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होता है, जैसा लिखा भी हुआ है, पृथ्वी पर जीवन संचालन के लिए ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो सूर्य की ऊर्जा है। जो इस सूर्य की ऊर्जा को जो पौधे होते हैं इसको पूर्ण रूप से अवशोषित करते हैं,
और इसका जो है लगभग 83% भाग जो होता है वो पौधों की पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 12% भाग परावर्तित होता है, 5% भाग इसका जो है तो होता है ये ट्रांसमिट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जो पौधे प्रकाश की जो ऊर्जा का, प्रकाशीय ऊर्जा का जो अवशोषण करते हैं, जो 83% ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, इस 83% ऊर्जा में मात्र 4% ऊर्जा का ही उपयोग अपने मुख्य जैविक उपापचय क्रियाओं के लिए प्रयोग करते हैं। शेष जो 79% जो ऊर्जा होती है वो भी आगे चलकर ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परावर्तित हो जाती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया भी गया है कि ये 83% इसको जो ऊर्जा होती है सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं, और जो उसका 5% ट्रांसमिशन दिखाया गया है और 12% ऊर्जा का रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चों, इस प्रकाश का पौधों के जीवन पर या जीवों के जीवन पर और क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम डिटेल में थोड़ा जो इसके पहले चित्र दिया हुआ है इसमें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें ये जो दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं इन पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, हम सब जानते हैं कि जो पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपने भोजन निर्माण की क्रिया को संपादित करते हैं, भोजन निर्माण अर्थात प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं और साथ ही साथ में जो सबसे आवश्यक वातावरण की वस्तु जो है वो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस का निर्माण भी करते हैं और साथ ही साथ जो वातावरण में CO2 की बढ़ती हुई मात्रा है उसको अपना भोजन के रूप में उपयोग भी कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का विशेष महत्व होता है। सूर्य का प्रकाश जो अधिक होता है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है काफ़ी अधिक होती है। दूसरा जो बिंदु होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जैसा बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन है यह एक प्रकार से पौधों के अंदर पाई जाने वाली उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसमें पौधे अपने अंदर पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों का तथा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन करते हैं, और ये वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन हो जाता है, वाष्प के रूप में जो बाहर निकलता है, इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है पौधों में पाए जाने वाली जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। जो ये रंध्र होते हैं ये रंध्र प्रकाश की उपस्थिति में ही बहुत खुलते हैं और बंद होते हैं। जब खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है और जब बंद होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुकती है। और रंध्रों का खुलना बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। बच्चों, नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं कि पुष्पन पर प्रभाव। जो पुष्पन होता है कि किसी भी जो पौधे में पुष्पन के लिए प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन फ्लोरोसेन का निर्माण होता है, जिसके कारण पौधों में दिन के समय में पुष्पन, अधिकतर पौधों में दिन के समय में पुष्पन की क्रिया होती है। पुष्पन की क्रिया पर जो प्रकाश की अवधि होती है, प्रकाश की अवधि का पुष्पन की क्रिया पर एक विशेष प्रभाव होता है, जिसको हम लोग दीप्तिकालिता के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोगों ने दीप्तिकाल के आधार पर हम लोग जो प्रकृति में पौधे पाए जाते हैं इनको भी हम लोगों ने तीन भागों में बांटा है। एक होता है दीर्घ दीप्तिकाल पौधे, एक होता है मध्यम दीप्तिकाली पौधे, तीसरे होते हैं अल्प दीप्तिकाली पौधे। ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें हम दीर्घ दीप्तिकाल के वाले पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे जिनके पुष्पन के लिए मध्यम प्रकाश की आवश्यकता है उन्हें मध्यम दीप्तिकाली, तथा ऐसे पौधे जिनके में पुष्पन के लिए बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग अल्प दीप्तकाली पौधे के नाम से जानते हैं। बच्चों, इसके साथ साथ हमारा एक अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकाशानुवर्तनी गति। प्रत्येक पौधे में कुछ विशेष प्रकार की गतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम पौधों की गतियों के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रकाश की वजह से या प्रकाश के कारण जो पौधों में गति होती है उसे हम प्रकाशानुवर्तनी गति कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब किसी जो पौधा होता है उसका जो शीर्ष भाग होता है वो हमेशा प्रकाश की ओर अर्थात ऊपर की ओर वृद्धि करता है, इसको हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अर्थात पौधे का जो शीर्ष भाग है वो हमेशा प्रकाश की ओर जो गति करता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं पौधे की जड़ें कभी ऊपर नहीं आती, वो हमेशा नीचे की ओर जाती हैं, अर्थात वो प्रकाश से दूर भागती हैं, अंधकार की ओर जाती हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है पौधों की उसे हम नकारात्मक या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति कहते हैं, जो कि पौधों की जड़ों में पाई जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं और पौधों के
कि अंकुरण पर भी प्रकाश का कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अगले उसमें हम देखते हैं तापमान। प्रकाश के बाद हम लोग देखते हैं तापमान। जो तापमान होता है ये भी एक प्रमुख कारक है जो जीवों पर एक विशेष प्रभाव डालता है। हम लोग जानते हैं एक निश्चित तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो किसी भी जीव की जैविक उपापचय क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यदि तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अधिक होता है तो उपापचय क्रियाओं की दर प्रभावित होने लगती है। इस तापमान का जो पृथ्वी पर प्रमुख स्रोत है ये भी सूर्य ही है। प्रकाश के साथ साथ तापमान जो है वो भी हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है। तापमान की जो प्रकृति में जो बढ़ोतरी है घटोत्तर वो मुख्य उसका जो स्रोत है वो तापमान है। तापमान के अन्य स्रोतों में हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो प्रकृति में या पृथ्वी पर पाई जाने वाली कुछ अन्य भौतिक और रासायनिक क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जो इस तापमान की वृद्धि का प्रमुख कारण बनती हैं। हमारे यहाँ आज के समय में प्रदूषण भी तापमान की जो वृद्धि का है एक प्रमुख कारण है। तापमान जीवों में सूक्ष्म जीवों के शोषण के द्वारा विकिरण के द्वारा भी बढ़ता है। ठीक है, जो तापमान की सीमा है जैसे हम लोगों ने बताया था कि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे सर्वोत्तम सीमा होती है, किंतु जो सहने की जीवों की सहने की क्षमता होती है वो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अर्थात वो अपनी 0 से नीचे कोई भी जीव सामान्य रूप से जीवित नहीं रह सकता और 50 के ऊपर भी उसको अपनी जैविक क्रियाओं को संचालन के लिए बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर्वोत्तम ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ताप के आधार पर विश्व में जो वनस्पतियां हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। एक महातापी, ऐसी वनस्पतियाँ जो बहुत अधिक तापमान पर वृद्धि करती हैं, महातापी जैसे उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं। भूमध्य रेखा पर पाई जाने वाली मुख्य रूप से ऐसी वनस्पति होती है जिसमें भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले बड़े पौधे होते हैं। मध्यतापी, जिन्हें मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म छोटी वनस्पति होती है। तीसरे नंबर पर जो आता है न्यूनतापी, ऐसे वनस्पति जो ऊंचाई पर पाई जाती है, ऊंचाई पर है जो पहाड़ों पर पाई जाती है, जब तापमान कम होता है वहाँ पहाड़ों पर तो वो जो वृद्धि करती है ऐसे को न्यूनतापी कहते हैं। इसे मुख्य रूप से अनावृत बीजी पौधे आते हैं, हमारे मॉसेज आते हैं। अति न्यूनतापी जो बर्फीले स्थानों पर उत्तरी ध्रुव पर जहाँ पर बहुत अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं अति न्यूनतापी होते हैं। यहाँ पर वनस्पति बहुत कम होती है, जीव भी बहुत वृद्धि भी बहुत कम पाई जाती है। अब देखते हैं ताप का जीवों की दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर एक पे हम लोगों ने लिखा हुआ है बीज का अंकुरण। जैसा हम लोगों ने बताया कि बीज की प्रकाश के साथ साथ तापमान का भी बीज के अंकुरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किसी भी बीज के अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है और उस तापमान में ही बीजों का अंकुरण संभव होता है। नंबर दो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन जैसा बताया पूर्व में कि वाष्प के रूप में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन है। जैसे ही जैसे तापमान में वृद्धि होती है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है, अर्थात तापमान की वजह से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। बसंतीकरण, जो बसंतीकरण दिया गया है ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम लोग जो पौधे होते हैं उनको एक निश्चित उनको इस योग्य बनाते हैं कि अनुकूलतम ताप पर जो वृद्धि करते हैं उसको हम लोग वसंतीकरण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अधिक तापमान में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाती है। शोषण, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो शोषण के लिए सर्वोत्तम होता है। लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में शोषण की दर सर्वाधिक होती है, सबसे अच्छी होती है। इसके बाद ये प्रभावित होती है, कम होती है या बढ़ जाती है। जल एवं खनिज अवशोषण, जो जल और खनिज तापमान के प्रभाव के कारण जब वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो इसके कारण हमारे पौधों में पत्तियों से लेकर जड़ों के बीच में एक वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है जिसके कारण मिट्टी से जल और खनिज जो पदार्थ होते हैं इनके अवशोषण की दर भी है जो काफ़ी बढ़ जाती है। अगले इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं तो तीसरा प्रमुख कारक है वर्षा या जल। जैसा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग दो तिहाई भाग जल है और जो जल है ये
जो जल पाया जाता है ये हमारे समस्त जीवों को आसानी के साथ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से जल जो पाया जाता है समुद्र में है, समुद्र के रूप में है। समुद्री वनस्पतियाँ तो इससे प्रभावित होती हैं, इसको ग्रहण करती हैं, किंतु अन्य जो मैदानी भाग है वहाँ पर ये जल आसानी से नहीं पहुँच पाता। वर्षा एक ऐसा माध्यम है जो जल का एक सर्वोत्कृष्ट साधन है, जिसके कारण प्रत्येक जीव प्रभावित होता है, प्रत्येक जीव इससे लाभान्वित होता है। वर्षा अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के रूप में धरती पर यह जल जो गिरता है नदियों, तालाबों, पोखरों आदि के रूप में इकट्ठा होता है, सूख कर अवशोषित होकर भूगर्भ जल के रूप में पृथ्वी के नीचे भी जाता है, और यहाँ पर पृथ्वी पर जो पौधे पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। यह जो जल होता है यहाँ पर पृथ्वी पर एक जल चक्र चलता रहता है। जल चक्र के द्वारा ये समुद्र में नदियों का व तालाबों का, पोखरों का या पौधों के वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल होता है ये वाष्पित होता है, वाष्प के रूप में बादल के रूप में परिवर्तित होता है और पुनः वर्षा करता है, वर्षा होकर धरती पर आती है, और इस प्रकार से यह जल चक्र लगातार चलता रहता है। पृथ्वी पर जो जल चक्र चलता है, जल वर्षा होती है, तो इस वर्षा की उपस्थिति के आधार पर यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों को चार भागों में मुख्य रूप से रखा जाता है। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 0 से 10 इंच तक वर्षा होती है, इसमें मुख्य रूप से मरुस्थली पौधे होते हैं जिनमें वर्षा काफ़ी कम होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा 10 इंच से लेकर 30 इंच तक होती है, ये हमारे सवाना के वृक्ष हैं, सवाना के घास के मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। ये तीसरी होती है जिसमें 30 से 50 इंच वर्षा, वार्षिक वर्षा जहाँ पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जंगल उगते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, और ऐसे क्षेत्र जहाँ 50 इंच से भी अधिक वर्षा पाई जाती है वहाँ पर आर्द्रवन पाए जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं स्थलाकृतिक कारक। जैसा कि मालूम है स्थल पर धरती पर पाए जाने वाले ऐसे कारक जो जीवों को प्रभावित करते हैं स्थलाकृतिक कारक कहलाते हैं। नंबर एक पे दिया हुआ है अक्षांशीय कारक। अक्षांशीय कारक जैसा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भूमध्य रेखा होता है, तो भूमध्य रेखा पर जो हमारी वनस्पति होती है या जीव होते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है वो किसी भी जीव की वृद्धि के लिए सदाबहार माना जाता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं वनस्पतियां या जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से अगर हम देखते हैं तो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र 23.5 डिग्री जो साउथ का क्षेत्र होता है वो किसी भी जीव की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम होता है, अर्थात यहाँ पर जीवों की वृद्धि सर्वाधिक होती है। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है कि देखिए जैसे जैसे जो सबसे नीचे का क्षेत्र हो धरती जो क्षेत्र है पृथ्वी का क्षेत्र है वहाँ पर विशालकाय वृक्ष होते हैं, जैसे थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये वृक्ष छोटे हो रहे हैं, ऊपर बढ़ते हैं तो आवृतबीजी पौधों के स्थान पर हम लोग अनावृतबीजी कोन पेड़ जो होते हैं, शंकु वृक्ष हैं, इनकी हम लोग देखते हैं, और जब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो छोटे छोटे यहाँ पर जो मॉसेस होते हैं जिनको हम लोग धरती का उभयचर कहते हैं वो ग्रो कर वृद्धि करते हैं। नंबर दो पे हम लोग देखते हैं ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कुछ कमी आती जाती है। प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 6 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, और इस तापमान की कमी के कारण पाई जाने वाली वनस्पतियों पर इसका प्रभाव होता है। तीसरी ढाल की मात्रा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस क्षेत्र में ढाल बहुत अधिक पाई जाती है तो उस ढाल के प्रभाव के कारण जो पानी का बहाव होता है या बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों का जो बहाव होता है जिनका ढलान होता है काफ़ी तीव्र होता है, जिसके कारण जो ढाल पे होता है जो वनस्पतियां हैं वो बहुत अच्छी प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाती हैं, और बहुत कम वो अल्प क्षेत्र होता है वनस्पति का, जीवों का अल्प क्षेत्र होता है। ढाल जितनी अधिक होती है वनस्पतियाँ वहाँ पर उतना अधिक स्थिर होती हैं। अगला हम देखते हैं मृदा निर्माण या मृदीय कारक। ऐसे कारक जो हमारी मृदा से अर्थात मिट्टी से संबंधित होते हैं मृदीय कारक कहलाते हैं। मृदा जो होती है इसका जो निर्माण होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से इसका निर्माण किया जा सकता है। नंबर एक अपक्षय, नंबर दो मृदा जनन। अपक्षय के अंतर्गत आता है कि जब किसी कारण जब नदी घाटियों के तेज बहाव के कारण
पत्थरों के आपस में घर्षण के कारण या अन्य किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो घिस करके रेत के रूप में परिवर्तित होती हैं या महीन कणों के रूप में परिवर्तित होती हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है और यह क्रिया अपक्षय क्रिया कहलाती है। नंबर दो पर जो आता है मृदा जनन। मृदा जनन होता है जब किसी चट्टान के ऊपर, किसी कठोर मृदा के ऊपर जब सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं, जिनके प्रभाव के कारण मृदा की ऊपरी परत जो होती है वो ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम लोग मृदा जनन कहते हैं। यह सूक्ष्म जो मृदा जनन होता है, यह सूक्ष्म जीवों के अपघटन के कारण होता है। इसमें हम लोगों ने दूसरा जो बिंदु दिखा रहे हैं मृदा परिषदि का, पृथ्वी पर जो मिट्टी की जो एक परत पाई जाती है, जो मिट्टी के जो विभिन्न स्तरों को मृदा परिषदिका कहते हैं, इसको हम लोगों ने इसमें दिखाया है। मृदा परिषद इसमें जो मिट्टी का धरती का जो पूरा स्तर है उसको चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। जीरो और एक को हम पहला स्तर मानते हैं, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। जीरो धरती के ऊपर पाई जाने वाली जो सबसे ऊपरी सरफेस होती है, सबसे ऊपरी सतह होती है, उसको जीरो कहते हैं। इस पर ह्यूमस की अधिकता होती है। ए स्तर उसके नीचे का स्तर होता है, ए स्तर जिसमें ए और जीरो में ही समस्त वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है चिकनी मिट्टी, एल्युमिनियम, लोहा आदि धातुएं पाई जाती हैं, बी स्तर के अंतर्गत हैं। जो सी स्तर होता है इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और चट्टानों का क्षेत्र होता है। और डी जो स्तर सबसे निचला स्तर माना गया है, इसको हम लोग इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। जो ए और बी का स्तर होता है इसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, और जो सी स्तर होता है उसको हम लोग सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जल, मृदा जल। वर्षा के द्वारा जो ये जल, जैसा हम लोग ने पढ़ा, मृदा जल जो आता है कुछ तो बह जाता है और कुछ धरती के द्वारा अवशोषित होकर, मृदा द्वारा अवशोषित होकर नीचे चला जाता है। अब ये जल पौधे अपनी जड़ों की से इसको अवशोषित करते हैं, अवशोषण की क्रिया के द्वारा इस जल को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए प्राप्त करते हैं। किंतु ये जो जल अवशोषित होता है, ये जो जल होता है ये चार रूपों में पाया जाता है। नंबर एक गुरुत्वीय जल, जो ऐसा जल मृदा में पाया जाने वाला ऐसा जल जो धरती में अवशोषित होकर काफ़ी नीचे चला जाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है और ये पौधों को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। नंबर दो आर्द्रता जल। आर्द्रता जल ये वो जल होता है जो मिट्टी के कणों के जो चारों तरफ एक परत के रूप में पाया जाता है, आर्द्रता के रूप में पाया जाता है, पौधों को ये भी आसानी से प्राप्त नहीं होता, इसे हम आर्द्रता जल कहते हैं। नंबर तीन पे आता है क्रिस्टलीय जल, जो नीचे हमारी जो चूना है, चट्टान है, उनके साथ में क्रिस्टल के रूप में जो जल पाया जाता है उसे क्रिस्टलीय जल कहते हैं और ये भी पौधों को आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता है। केशिका जल, जो मिट्टी के कणों के बीच में पतली पतली नलिकाओं के रूप में जो पाया जाने वाला जल है, इसे केशिका जल कहते हैं। और बच्चों ये केशिका जल ही एक ऐसा जल है जिसे पौधे आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कैपिलरी वाटर के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं बच्चों अजैवी कारकों के प्रति अनुक्रियाएं। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कोई जीव वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न अजैवी कारकों से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, बाहरी पर्यावरण जीवों को परेशान क्यों करता रहता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रकृति में निवास करने वाले समस्त जीव जो होते हैं वे इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, और ये जो विशेष प्रकार की क्रियाएँ होती हैं इन्हें हम निम्न प्रकार से अध्ययन करते हैं, कई भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक जैसे है नियमन करना। नियमन करना, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो जो जीव होता है उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है या अपने आप को उनके अनुसार परिवर्तित कर लेता है, इसको नियमन करना कहते हैं। यह मुख्य रूप से स्तनधारियों में पाया जाता है। जैसे स्तनधारियों का एक लक्षण होता है, जब गर्मी अधिक होती है तो पसीना निकलता है तो उसको तापमान को वो जो है बैलेंस करते हैं। दूसरा, अगर सर्दियाँ अधिक होती हैं तो उनके कपकपाहट के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण होम्योस्टेसिस को वो बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा जो क्रिया है संरूपण, यह जीवों में काफ़ी कम पाया जाता है। ये विशेष प्रकार की क्रिया है जिसमें जो है जीव को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है अपने को उस स्थिति में समान बनाए रखने के लिए, पर फिर भी जीव प्रयास करते हैं पर बहुत कम पाई जाती है। नंबर तीन प्रवास करना, यह मुख्य रूप से पक्षियों के द्वारा अपनाई जाने वाली क्रिया होती है। इस क्रिया में पक्षी जो क्या करते हैं, अपने आप को जब अनुकूल वातावरण नहीं होता है तो अपने आप को माइग्रेट करके अपने स्थान से किसी दूसरे अनुकूल स्थान की ओर चले जाते हैं, और जब
परिस्थितियाँ फिर सामान्य होती हैं तो पुनः लौट आते हैं। इस क्रिया को प्रवास करना या माइग्रेशन कहा जाता है। निलंबित करना, निलंबित का मतलब होता है सूक्ष्म, ये क्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है और इसमें क्या होता है, जीव अपने आप को एक बीजाणुओं के रूप में अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना करके अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं तो पुनः वृद्धि करके नए जीवों में परिवर्तित होते हैं। अनुकूलन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जीव प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीव अपने आप को इस परिवर्तनीय वातावरण के प्रति अनुकूलित करने का प्रयास करता है, जिसको हमारे डार्विन ने भी जीवन संघर्ष भी के नाम से भी परिभाषित किया है। अब अगला हम देखते हैं इसके बाद जो है जैवी कारक। जैवी कारक हम देखते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे जैवी कारक पाए जाते हैं और ये जैवी कारक जैसे हम लोग जानते हैं इसमें शैवाल हैं, कवक हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं। ये जो जीव होते हैं ये आपस में विशेष प्रकार के संबंध भी रखते हैं, इनका अध्ययन हम लोग कहते हैं। जैसे किसी स्थान पर पाए जाने वाले जो पारस जीव हो पौधे होते हैं ये आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं, इसमें जैसे एक अधिपादप पे बताए हैं तो अधिपादप के ऐसे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर उगते हैं किंतु उससे दूसरे पौधे से कुछ ग्रहण नहीं करते अपने, जैसे आर्किड ये इसमें वेलामिन पाए जाते हैं। ये अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं, श्वसन के लिए नाद्रता का ही जड़ें होती हैं जिनसे पानी भी अवशोषित कर लेते हैं किंतु खाली दूसरे पेड़ पर पाए जाते हैं। परजीवी, दूसरा जो परजीवी है मतलब जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे जीव पर निर्भर होता है परजीवी कहलाता है, जैसे अमरबेल है। मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो मृत वृक्ष के टुकड़ों पर, सूखी टहनियों पर या किसी मृत जीव के ऊपर उगते हैं और उससे अपना भोजन अपघटन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसके तरह कवक होता है। सहजीवी, जो ऐसे जीव जो होते हैं जो कि दूसरे जीव के साथ सहजीवन बनाते हुए परस्पर सहयोग की भावना रखते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जीव राइजोबियम आता है। दूसरा हमारा बिंदु, एक ही स्थान पर पाए जाने पौधे और जंतुओं के बीच में क्या संबंध होता है इसको हमें देखना है। इसमें नंबर एक पे हम लोग देखते हैं पौधे और जंतुओं के बीच में जो संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्या होता है, परागण की क्रिया। परागण की क्रिया में हम लोग क्या देखते हैं कि पौधों के जो पुष्प होते हैं उसमें जो कृत्रिम परागण की क्रिया होती है उसमें जंतुओं का विशेष योगदान होता है। पक्षी, विभिन्न प्रकार के कीट, चींटियाँ आदि ऐसे जीव होते हैं जो जीवों के परागण में सहायता करते हैं। हमने इस चीज़ को जो हमारा कायिक जनन वाला पाठ है उसमें अध्ययन किया है। नंबर दो पे हम लोग देखते हैं कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, वे किसी भी जीव को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन उसका अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसा चराई दे जाते हैं, ये जंतु जब किसी क्षेत्र में चराई करते हैं तो वहाँ के जीव वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जो कृंदक होता है, कृंदक का मतलब जमीन के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जैसे चूहे वगैरह जो होते हैं, ये जब जमीन के अंदर पाए जाने वाले बीजों को खा करके सृष्टि का जीवों का नुकसान करते हैं वहाँ की, तो उसे हम लोग कृंदक कहते हैं। ये दो क्रियाएँ हैं जिसमें जंतु जीव पौधों का फायदा करते हैं और ये चराई और कृंदक दो क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें नुकसान होता है। एक ही स्थान पर उगने वाले पौधे, उसी मृदा में रहने वाले जंतुओं के बीच में संबंध, इसमें हम लोग देखते हैं ह्यूमस निर्माण की जो क्रिया होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है और मृदा को ये संरक्षित करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी वातावरण की वायुमंडल नाइट्रोजन को भूमि में जो स्थिरीकृत करते हैं ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही संपन्न होता है। आगे देखते हैं बच्चों थोड़ा सा इसमें, अब हम लोग इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया, क्रियाएं पढ़ ली, अब हम आपको थोड़ा सा गृह कार्य देते हैं और क्रियात्मक कार्य देता है जिसको आपको करना है। किसान अपने आसपास की मृदा में ह्यूमस निर्माण किस प्रकार का करता है इसको आप लोगों को समझ के लिखना है। जीवों की उपापचयिक क्रियाओं पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है इसको आप लोग थोड़ा समझिए और लिखिए। और दीप्तकालिता से पौधों की किन क्रियाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग समझिए और लिखिए। धन्यवाद।